Very good morning, students. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in MLB Government College, the subject of chemistry. Friends, हम लोग paper third जो आपका है, BSc part third का, उसमें chemical kinetics पढ़ रहे थे और हम लगभग ये chapter complete कर चुके हैं. और आज इसका last topic है, जो हम complex reactions पढ़ रहे थे. तो last जो lecture है, वहाँ तक हम reversible reaction या उत्क्रमणीय अभिक्रिया और जो क्रमागत अभिक्रिया होती है सक्सेसिव जिसे हम बोलते हैं उन दोनों के बारे में पढ़ चुके थे. वो किस तरह से उनका रेट कांस्टेंट ड्राइव किया जाता है क्योंकि वो थोड़ा अलग होता है एक सिंपल जो रिएक्शन होती है उनसे. आज इसका आखिरी टॉपिक है आपका, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कुछ लेसन बनाएंगे और फिर नए चैप्टर शुरू करेंगे. आज जो पढ़ेंगे वो है समांतर या पार्श्व प्रथम कोटि भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया या पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं. ये भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्यों है वो थोड़ा अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो यही है कि वो दो या दो से ज्यादा पदों में होती है. तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है वो कह रहा है इसमें कि इसमें ये जो रिएक्शन है समांतर वाली, ये जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम पढ़ते हैं तो उसमें कई जगह ये देखने में आती है. जब ये पता चलता है कि इसमें मुख्य उत्पाद कुछ बना है और साइड में एक और हमें उत्पाद मिला है जिसकी थोड़ी क्वांटिटी कम है, तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है पैरेलल चलती है. मतलब एक ही रिएक्टेंट है वो बी प्रोडक्ट भी दे रहा है और सी प्रोडक्ट भी दे रहा है. जैसे यहाँ दिखाई दे रहा है ये एक ए हमारा कोई रिएक्टेंट है, ये रिएक्शन कर रहा है और हमें दे रहा है बी प्रोडक्ट. तो जो बी प्रोडक्ट मिल रहा है उसकी जो यील्ड है वो है 80%. तो ये तो कहलाती है हमारी मुख्य अभिक्रिया. इसके लिए जो रेट कांस्टेंट है वो हमने रखा है K1. दूसरा इसी के साथ ये A से कुछ मात्रा में हमें दूसरा उत्पाद मिल रहा है, दूसरा प्रोडक्ट मिल रहा है वो है C जो कि है 20%. तो क्योंकि वो कम है इसलिए उसे कहा जाता है पार्श्व अभिक्रिया. ये तो मुख्य उत्पाद हो गया, ये साथ में का साइड प्रोडक्ट हो गया. ये प्रोडक्ट है, दिस इज अ प्रोडक्ट एंड दिस इज अ साइड प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट हो गया, ये इसका साइड प्रोडक्ट हो गया. तो ऐसी रिएक्शन कहलाती है समांतर अभिक्रिया जिसमें एक ही रिएक्टेंट से दो तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं. ठीक है, इसमें फर्क करना, जो हमने क्रमागत पढ़ी थी उसमें क्या होता है, उसमें भी बी और सी दोनों आए थे लेकिन वहां क्या हो रहा था, वहां रिएक्टेंट था हमारा ए जैसे यहां भी है लेकिन ए से हमें पहले मिल रहा था बी जो रिएक्टेंट मतलब बी जो प्रोडक्ट और बी जो है वो दोबारा एक रिएक्टेंट के रूप में काम करते हुए दे रहा था सी. तो ओवरऑल जो हमें मिल रहा था लास्ट में वो मिल रहा था सी. पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमें बी भी मिल रहा है और सी भी मिल रहा है. किससे मिल रहा है, ये भी ए से मिल रहा है, इसको काट दो तो ये भी ए से मिल रहा है. ये पैरेलल रिएक्शन कहलाती है जो कि क्रमागत रिएक्शन से अलग है. ओके, तो ये पार्श्व यदि पार्श्व अभिक्रिया में अभिकारक की काफी मात्रा खर्च हो जाए तो उसे समांतर अभिक्रिया भी कहते हैं. ओके, ये एक चीज समझ लीजिए कि मान लीजिए ए रिएक्टेंट था है ना, उससे बी मिल रहा है. तो यहां तो हमने लिखा है इसको 80% ए है इसे ये B product मिल जाए. तो यहाँ तो हमने 80% लिखा ऊपर. अगर माने कि B मिलता है यहाँ पर हमें लगभग 60% और C मिलता है 40%, तो इसका रेशियो क्या काफी बढ़ गया. तो जब रेशियो ज्यादा बढ़ जाता है तो उसे समांतर अभिक्रिया कहते हैं और ये रेशियो जब कम होता है तो उसे पार्श्व अभिक्रिया कहते हैं. इतना ही अंतर, ठीक है, समझ लेंगे. ओके, तो हमने ये देख लिया कि दो तरह के रेट कांस्टेंट यहाँ हमने दिए हैं, एक है K1 दूसरा है K2. K1 तो हो गया जो मुख्य अभिक्रिया है जो प्रिंसिपल रिएक्शन है उसका अभिक्रियतांक और K2 हो गया जो भी पार्श्व अभिक्रिया है या वो समांतर अभिक्रिया है वो ज्यादा है रेशो में तो उसका अभिक्रियतांक. तो माना जैसे हमने ऊपर पहले माना है कि माना जो ए है हमारा
उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमारी है ए मोल पर लीटर जब शुरू ही हुआ है, टाइम जीरो है, टाइम जीरो, यहां पर एक ही कंसंट्रेशन हमने मान ली है ए मोल पर लीटर, ये वाली, कुछ टाइम गुजरता है आफ्टर टाइम टी, उसके बाद में क्या होगा, ये जो ए है ठीक है उसकी कुछ मात्रा बी और सी में बदल जाएगी, वो कितनी बदलेगी, वो है एक्स मोल पर लीटर। तो इनिशियली हमारे जो ए मोल थे उसमें से एक्स मोल पर लीटर सी और बी में बदल गए, मान लो मतलब ए के इतने मोल कम हो चुके हैं जो बी और सी में बदल गए, और इसी टी टाइम बाद ये तो हो गया कितने मोल कम हुए हैं है ना, ए के एक्स मोल बदल गए हैं बी और सी में, और कितने मोल बने हैं बी और सी के, वो है वाई एंड जेड। तो टी समय बाद बी और सी के बने हुए मोलों की संख्या है वाई एंड जेड। तो अभिकारक का जो मोल होंगे कितने बचेंगे, इनिशियल था हमारे पास ए मोल पर लीटर ए के, अगर ए की बात करें हम, इनिशियल ए मोल पर लीटर थे हमारे पास ठीक है, तो ए माइनस एक्स, क्योंकि एक्स मोल क्या है ये बदल चुके हैं बी और सी में ठीक है, ये बचेगा टी टाइम बाद हमारा ए के मोल। तो यहां लिखे अगर हम ए के कम होने के भी, ए के कम होने का भी मैंने पहले भी समझाया था आपको, ए क्योंकि रिएक्टेंट है ना, एक्स हमने लिया है क्या टी टाइम बाद, उसके कितने मोल प्रोडक्ट में बदल गए, ये एक्स क्या हो जाएगा माइनस टी एक्स अपॉन डी टी इस ए के लिए, ओके बी के बनने का वे क्योंकि ए से बन रहे हैं बी, ए से ही बन रहा है सी, तो बी के बोल बोले वाई, टी के बने जेड, ये है ना, तो वाई क्योंकि रिएक्ट प्रोडक्ट है तो प्लस में आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, और सी के कितने मोल बने दैट इज जी जेड अपॉन डी जेड अपॉन डी टी। तो ये हमें पता है कि डी एक्स अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी टी एंड डी जेड अपॉन डी टी, मतलब जितने मोल ए के खत्म होंगे उतने ही मोल तो वाई और बी और सी के बनेंगे, बी और सी ये हो गया ए के, उतने ही तो बनेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से दोबारा यहाँ पे जैसे पहले हमने देखा, ये तो हो गया हमारा बी का बनने का वे, ये हो गया सी का बनने का वे। तो अगर बी के बनने के वे को हम आगे लिखें तो वो था डी वाई अपॉन डी टी, तो ये है बी के बनने का वे ऊपर, तो आफ्टर टी टाइम समझने की चीजें, आफ्टर टी टाइम बात करें, टी समय के बाद बी के बनने का वेग क्या होगा, दैट इज डी वाई अपॉन डी टी, क्योंकि वाई मोल बन रहे हैं बी एक प्रोडक्ट है ना, वाई मोल बन रहे हैं तो वो तो हो गया पॉजिटिव में, दैट इज इक्वल टू, क्योंकि हमने दो रेट कांस्टेंट लिए, यहां पर एक के वन यहां है के टू, यहां के वन काम आएगा और क्या आएगा इसकी कंसंट्रेशन, तो कंसंट्रेशन कितनी बची टी टाइम बाद, दिस इज दैट इज के वन एंड ए माइनस एक्स, ये कंसंट्रेशन बची है ना टी टाइम बाद ए की है ना, तो डी बाई अपॉन डी टी दैट इज इक्वल टू के वन ए माइनस एक्स। ऐसे ही सी के बनने का वे क्या होगा, सी में काम आएगा क्या के टू, के टू काम आएगा, ये क्या हो जाएगा सी का बनने का वे डी वाई तो सी के बनने का वेग होगा डी जेड अपॉन डी टी एंड इक्वल टू के टू माइनस ए एक्स, के टू वही जो रेट कांस्टेंट है और ए माइनस एक्स जो ए की कंसंट्रेशन में कमी हो रही है वो आ गया, देन डी एक्स अपॉन डी टी ऊपर जो हमने लिया है स्पेस की वैल्यू रख देंगे, ऊपर जो लिया है हमने वैल्यू रख देंगे, तो डी एक्स अपॉन डी टी
equals to k1 a minus x यहाँ से आ गया and k2 a minus x यहाँ से आ गया. Clear? नीचे आओ. Now dx upon dt equals to k1 plus k2 हो जाएगा. a minus x common आ गया question number 5. तो dx k minus x को हम यहाँ ले आएंगे. वेरिएबल सेपरेट कर लेंगे. dt यहाँ आ जाएगा. तो k1 plus k2 dt dx और k minus x और a minus x. ये इसका अवकलन वेग समीकरण कहलाता है. किसका? इसका है समांतर अभिक्रिया का. समांतर जटिल अभिक्रिया है उनका अवकलन वेग समीकरण कहलाता है. dx upon a minus x equal to q1 plus k2 dt. इस क्वेश्चन का हम अब समाकलन करेंगे. ये अवकलन वेग समीकरण सॉरी इसका हम समाकलन करेंगे. तो 1 upon a minus x dx k plus k1 plus k2 dt ये तो कांस्टेंट है ना. इसका समाकलन होगा हो जाएगा. ये हो जाएगा हमें जानते हैं कि 1 upon a minus x dx इसका जब समाकलन करते हैं तो हमें मिलता है minus ln a minus x. इसकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे. minus ln a minus x that is equal to k1 plus k2 t plus c. और c हम ऊपर देखते आ रहे हैं, बार बार रिपीट करते आ रहे हैं. c क्या है? है एक समाकलन स्थिरांक. यहाँ वही कंडीशन लगाएंगे जो पहले रेट कांस्टेंट को निकालने की तरफ टाइम करते आ रहे हैं. यहाँ हमने मान लिया कि t is equal to zero है, समय जीरो. तो समय जीरो पर x भी जीरो है. x क्या है? x क्या था? a के समय t पर बदल गए उत्पाद बदल गए मोलों की संख्या, ये था x. तो जब टाइम भी जीरो है रिएक्शन हुई नहीं है तो क्या हो जाएगा? x भी जीरो हो जाएगा. इसको हम इसमें रख देंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा? t जीरो दिस इज जीरो, x दिस इज जीरो, तो बच जाएगा क्या? माइनस ln a. ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी इसको मल्टीप्लाई होगा. तो c इज इक्वल टू माइनस ln a. इस वैल्यू को हम वापस पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 8 में ही. तो ये हो जाएगा माइनस ln a माइनस x इज इक्वल टू k1 plus k2 t plus ये c की वैल्यू हमें रखनी माइनस ln a. नाउ यहाँ k1 plus k2 था इसको ये रहने देंगे हम. t सपोज इधर चले गया ठीक है, और ये ln ये भी इधर आ गया. ये क्योंकि प्लस पे है तो ये ऊपर चले जाएगा और a माइनस x नीचे आ जाएगा. तो ये हो जाएगा 1 upon t ln a upon a माइनस x. ये था log natural. ln जो होता है उसको हम कहते हैं log natural. ये ln log of natural है ना. और दूसरा जो है हमारा वो होता है log base 10. तो log natural को हमने log base 10 में परिवर्तित किया तो वो हो जाता है 2.303 log. ये होता है ln equal to होता है 2.303 log. तो इसको log 10 base में चेंज करते हैं. वो यहाँ पुट कर दिया तो k1 plus k2 equals to 1 upon t 2.303 log a upon a minus x. तो ये हमारा आ जाता है पैरेलल रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू k1 plus k2 equal to 1 upon t 2.303 log a upon a. इसका सिंपल है ये वाला ठीक है. इसमें मुख्य रूप से एथिलीन बन रहा है और साथ में बन रहा है एथिलीन क्लोराइड ठीक है. एथिल क्लोराइड से ये मुख्य रूप से ये बन रहा है. ये एक पैरेलल रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बन रहा है साथ में ये एक प्रोडक्ट बन रहा है. इसको हम मान सकते हैं यहाँ पर k1, इसको मान सकते हैं यहाँ k2 ठीक है. और इनको पुट करेंगे तो ये हमें रेट का एक्सेप्शन हो जाएगा. तो ये था आपका पैरेलल रिएक्शन ऑफ समांतर अभिक्रियाएं. इसके साथ ही हमने काइनेटिक्स का जो चैप्टर अपना आज कंप्लीट कर लिया है. नेक्स्ट कुछ क्लास में इसकी जो थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं उनको अपन देखेंगे. फिर नया एक चैप्टर शुरू करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला या फोटोकेमिस्ट्री जो भी सूट करेगा ठीक है. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जस्ट